किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने बुलंदशहर में 28 जनवरी को होने वाली गंगा यात्रा के विरोध का ऐलान कर दिया है। सियाना में भाकियू नेता मांगेराम त्यागी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि गंगा यात्रा का भाकियू कार्यकर्ता विरोध करते हुए किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होने तक आगे नहीं बढ़ने देंगे। नगर के गढ़ बस स्टैंड स्थित भाकियू नेता मांगेराम त्यागी के कैंप कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि काफी समय से नगर क्षेत्र के किसान प्रशासन से आवारा पशु, गन्ने का बकाया भुगतान और बढ़ी हुई विद्युत दरों की समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन किसानों की समस्याओं से पूरी तरह से अनजान बना हुआ है। मांगेराम त्यागी ने चेतावनी देते हुए कहा कि 28 जनवरी को नगर में आ रही गंगा यात्रा का भाकियू कार्यकर्ता विरोध कर किसानों की समस्याओं का हल नहीं होने तक आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस दौरान भाकियू के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं नरोरा में जनपद में 28 जनवरी को आने वाली ऐतिहासिक गंगा यात्रा के स्वागत की तैयारियों को जांचने के लिए गुरुवार को खुद जिले के प्रभारी और राज्य परिवहन मंत्री अशोक कटारिया गंगा के किनारे पहुंचे थे। यहां अनूप शहर के साथ डिबाई और बाद में नरोरा स्थित गंगा घाट पर जाकर तैयारियों का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश किया गया। गंगा यात्रा 28 जनवरी को हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से होते हुए जनपद में प्रवेश करेगी। यात्रा के स्वागत के लिए हर स्तर पर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। रास्तों के साथ अन्य व्यवस्थाओं को भी सुधारा जा रहा है। गंगा किनारे के गांवों में विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है और गंगा घाटों की सूरत भी बदली जा रही है। बुलंदशहर से जिला संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। गन्ना भुगतान क्यों नहीं हो रहा? अगर गन्ना भुगतान नहीं हो रहा, किसान क्या कर रहा है उसके लिए? किसान कहाँ दोषी है उसमें बताओ। पर प्रदेश की सरकार छोटी छोटी बनाकर डालता रहे, छोटी छोटी बनाते छोटी छोटी प्रदेश की सरकार बताएगी क्या? वो इसमें किसान का दोष कहाँ बनता है? क्या दोष है किसान का भाई? पिछले वर्ष का भुगतान नहीं हुआ, 6,500 करोड़ रुपये पूरे प्रदेश के किसानों का फिर बकाया हो गया। आखिर दोष क्या किसानों का, ये बताया। जिले का प्रशासन किसानों की बात पर तवज्जो नहीं देता। जो तुम्हारी 2 दिन पहले वार्ता हुई थी उसमें विफल रही वार्ता, वो विफल रही है। उसमें कोई बात ना सुनी गई है, ना जो उन्होंने हमसे वादा किया उसमें कोई गौर नहीं करा गया। वीडियो है वो अपनी अलग राम कथाकार है, कह रहे हमारे पास तो पैसा नहीं है, फलाना नहीं है, जगह नहीं है। अरे भाई हम इसमें हमारा कहाँ दोष बन रहा भाई? हम खेतों पर पहरा देने के लिए किस लिए मजबूर हैं? हम पूछेंगे मुख्यमंत्री से, हम क्यों पहरा दे रहे हैं भाई? हमारी पहचानी कहाँ से सुनिश्चित हो गई इसमें? गंगा यात्रा का प्रोग्राम है, भारतीय किसानों की अपनी कुछ मांग है, जैसे आवारा पशु हैं, बिजली की बढ़ी हुई कीमत है, गन्ना भुगतान नहीं हो रहा है। इन तीनों मांगों को लेकर हम आंदोलनरत हैं और गंगा यात्रा का पूरा विरोध करेंगे। गंगा यात्रा जिस दिन यहाँ से निकलेगी, यहाँ रोक के जो है उसे रोका जाएगा गंगा यात्रा को, और सूबे के मुखिया से पूछा जाएगा कि ये गौ वंश जो किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, किसान खेतों पर पहरा इस तरह से दे रहा कि उसे 24 घंटे वहाँ पहरा देना पड़ रहा। भारतीय सेना भी जो है शिफ्ट वाइज देती है ड्यूटी, किसान को पूरा 24 के 24 घंटे वहाँ पहरा देना पड़ रहा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।